ये डाउनवर्ड्स आप सारा बुर्जल पास का व्यू देख रहे हैं, वो गाड़ी आ रही है एक, ये खूबसूरत नज़ारे हैं, खूबसूरत। पंजाबी में कहते हैं कि गोडा लगा के मोड़ना, तो ये गोडा लगा के मोड़ना पड़ा है बाइक को मुझे। तो ये देखें नीचे सड़क जा रही है बलखाती हुई, तो ये ग्रीनरी आपको बुर्जल पास पे इन दिनों में मिलेगी। बुर्जल टॉप से नीचे उतर रहे हैं और सुना यही है कि बुर्जल पास की असल खूबसूरती इस तरफ है, यानी कि मिनी मर्ग की तरफ। तो चलें देखते हैं कि क्या सीन है आगे, आपको भी दिखाते हैं। तो फिलहाल हम एलिवेशन लूज कर रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं और ये सामने अभी तक ग्लेशियर जमा हुआ है, एक बर्फ़ आपको नज़र आ रही है। तो अब हम उतराई में जा रहे हैं, ये आदिल भाई आए हैं। तो बुर्जल टॉप असल में दो तरह से मिलता है आपको, एक तो सारा बर्फ़ से ढका होता है और दूसरा ये ग्रीनरी आपको मिलती है। तो जब बुर्जल पास खुलता है तो आप फौरन विज़िट करें तो आपको बर्फ़ से ढका हुआ बुर्जल पास मिलेगा। अगर आप एक आदमा ठहर के बुर्जल पास का रुख करें तो आपको ये ग्रीनरी मिलेगी, जो ग्रीनरी आपको हर तरफ चारों तरफ नज़र आ रही है। ये छोटा सा एक पानी का चश्मा कह लें, पानी की झील कह लें या पानी का ज़खीरा कह लें, लेफ़्ट साइड पे वो नज़र आ रहा है, साथ में एक झोंपड़ी बनी हुई है, ये देखें ज़रा। अभी तक मौसम अच्छा है, सुना है कि यहाँ बुर्जल पास पे इधर मिनीमर्ग की तरफ मौसम बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। ख़राब से मुराद है कि बारिश बहुत जल्दी अचानक आ जाती है, आपको मौका नहीं मिलता बच के निकलने का। तो लेकिन फ़िलहाल ये देखें मौसम आपके सामने खूबसूरत है, अभी आसमान पे बादल ज़रूर मौजूद हैं लेकिन अभी बारिश के आसार नज़र नहीं आ रहे, और पहाड़ों के बीचों बीच ये सांप की तरह बाल खाती सड़क जा रही है, कंक्रीट की बनी हुई सड़क है ये। ये ग्रीनरी चेक करें, साथ में छोटा सा नाला पानी का जा रहा है बहता हुआ। ये सामने अली भाई जा रहे हैं अपना फर्स्ट बाइक टूर एंजॉय करते हुए। ये मेरी दाएं जानब आप देखें तो जानवर चल रहे हैं, एक चरागाह है, उसके साथ पानी का ज़खीरा भी मौजूद है, नाला पानी का भी जा रहा है। ये देखें ज़रा ये नीचे कितनी गहराई में उतरना है हमने। ये आदिल भाई रुक के ज़रा नज़ारों को एंजॉय करना चाहते हैं, कुछ तस्वीर वगैरह भी ले गए। ये नीचे गहराई में जा रही है सड़क, 4x4 सड़क है ये, 4x4 गाड़ी के लिए बेसिकली। तो ये सामने आप माउंटेन व्यू चेक करें ज़रा, ये खूबसूरत व्यूज़ है, आपको लश ग्रीन माउंटेन्स नज़र आ रही हैं। अली भाई भी स्लो हो चुके हैं, इन नज़ारों को एंजॉय कर रहे हैं और वैसे भी काफ़ी उतराई में है सड़क। तो ये खूबसूरत नज़ारे चेक करें ज़रा आप बुर्जल पास के, तो ये ग्रीनरी आपको बुर्जल पास पे इन दिनों में मिलेगी। ये बड़ा शार्प टर्न है, पंजाबी में कहते हैं कि गोडा लगा के मोड़ना, तो ये गोडा लगा के मोड़ना पड़ा है बाइक को मुझे। तो ये देखें नीचे सड़क जा रही है बल खाती हुई, ज़रा चंद लम्हे रुक के नज़ारा करते हैं बुर्जल पास का। ये देखें खूबसूरत खूबसूरत बाल खाती सड़क जा रही है, सरसब्ज़ शादाब और बीचों बीच पानी का नाला जा रहा है एक। ये डाउनवर्ड्स आप सारा बुर्जल पास का व्यू देख रहे हैं, वो गाड़ी आ रही है एक,
ये खूबसूरत नज़ारे हैं, खूबसूरत। इन्हीं नज़ारों के लिए हमारा घर जीते हैं। ये सामने व्यूज़ का चेक करें ज़रा, ये सामने जो माउंटेन्स हैं, सामने जो पहाड़ियाँ हैं, कितने खूबसूरत लुक दे रही हैं ये। ये भी काफ़ी शार्प टर्न है, टर्न्स यहाँ काफ़ी शार्प हैं। तो इस रास्ते को देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि जो 70 बाइक और 125 बाइक को नहीं आने देते उसकी क्या वजह है। तो खैर 125 तो आ सकती है, लेकिन बहरहाल वो सेफ साइड पे रहते हुए 125 को भी इजाज़त नहीं देते इधर आने की, क्योंकि ये आपके सामने सड़क, आपके सामने है बुर्ज़ुल पास के व्यूज़, आपके सामने है ये माउंटेन्स। इंग्लिश मूवीज़ में आप ले सकते हैं, आप हॉलीवुड की मूवीज़ से कम नहीं है ये सीन, आप किसी भी हॉलीवुड की हॉरर मूवीज़ में ये सीन ले सकते हैं। चेक करें ज़रा, तो बुर्ज़ुल पास ने सही नज़ारे करा दिए आज। आज का दिन वो सारा अपना जो ख़र्चा है वो पूरा हो गया है, तो आज के दिन में खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले हैं। तो ऐसा दिन गुजरता जाए तो क्या ही बात है, फिर तो राइडर थकता नहीं है। ये देखें जिस तरफ नजर दौड़ाएं, खूबसूरत से खूबसूरत मनाजर है। आप जिधर देखेंगे आपको खूबसूरत मनाजर नजर आएंगे। ये ऊपर बालघाती हुई सड़क जिधर से हम ऊपर से आए हैं, आपको लेफ्ट साइड पे वो नजर आ रही है, वो सामने अभी ग्लेशियर्स मौजूद हैं ऊपर। ये एक और शार्प टर्न, और जो हाइट है मसलसल कम होती हुई। ये सामने के नज़ारे बड़े खूबसूरत हैं, ये व्यूज़ बड़े खूबसूरत हैं, बड़े तिलिस्माती व्यूज़ हैं। ये एक तिलिस्म आप पे तारी हो जाता है ये व्यूज़ देख के। ये खूबसूरत है, ये खूबसूरत है यार। आपने देखा है कि ट्रैफिक बहुत कम है, आबादी नहीं है, ट्रैफिक बहुत कम है, इक्का दुक्का चरवाहे आपको मिले हैं रास्ते में। तो इधर सुकून ही सुकून है, तो सुकून की तलाश में तो इंसान जीता है, तो यहाँ सुकून है। वाह, अमेजिंग अमेजिंग ब्यूटीफुल।